उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अक्सर पेपर लीक होने की खबर मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कड़ी व्यवस्था रखी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से तो निगरानी की गई। एसीपी सुकन्या शर्मा निरंतर केंद्रों का दौरा कर परीक्षा पर नजर रखे हुए थी। प्रदेश में जब भी कोई एग्जाम होता है तो आगरा एक ऐसा सेंटर है जहाँ लाखों की संख्या में जो परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं, और प्रशासन करता भी है और सरकारें करती भी हैं कि आगरा में, क्योंकि सेंटर बड़े सेंटर डाले हैं, क्योंकि आगरा में इतने सारे बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं लगातार, उसमें जो है परीक्षार्थी आराम से परीक्षा दे सकते हैं। सुकन्या जी हमारे साथ में, सुकन्या से पूछेंगे कि किस तरह आज व्यवस्था रहेगी आज आपकी। आज आगरा में कई सेंटर्स हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा है। परीक्षा के दृष्टिगत हमने ट्रैफिक ड्यूटीज़ लगाई हैं, जिस ट्रैफिक ड्यूटीज़ में पूरे आगरा शहर को जोन्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जोनल पुलिस अधिकारी के तौर पे सर्कल ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस अधिकारी के तौर पे थानाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सभी जगह पे इनके सहायता के लिए सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल महिला पुरुष दोनों नियुक्त किए गए। अभी तक ऐसा देखा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक दिन पहले यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई थी, तो मतलब एक दिन पहले से आप लोगों ने तैयारी की थी इसके लिए? ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया था, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे ड्यूटीज़ लगाई गई थी बच्चों की सहायता के लिए कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इन्हें पता चल जाए कि सेंटर्स कहाँ पर हैं। और भीड़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, इसमें जो प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थी हैं वो लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, तो इसीलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए पहले से हमने ड्यूटी लगाई हुई थी। देख रहे थे कि मतलब ट्रेन और बसों में इतनी मतलब मारामारी है, लोग अपने पर्सनल वाहनों से भी आए, तो ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि एक साथ आपके घर में कोई 10 लोगों की ठहरने की व्यवस्था हो, अगर 50 या 100 लोग आ जाएं तो कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? आगरा में कई जगह पे पार्किंग बनाई गई है, तो जो 4-व्हीलर से आ रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था उनके लिए है। 2-व्हीलर से आ रहे हैं वो लोग स्कूल के बाहर ही हम लोगों ने पार्किंग छोटी छोटी चूज़ कर रखी है, वहाँ पर अपनी पार्क कर रहे हैं। क्योंकि मूविंग ट्रैफिक है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टाइम इसका जो है वो बहुत ठीक है, सुबह 10 से 12 और दोपहर में 3 से 6, तो वो समय ऐसा है जहाँ पर विभिन्न स्कूल जो है उनकी छुट्टी नहीं होती, तो वो भी एक हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है, प्लस छुट्टी भी है, तो इनकी वजह से यातायात हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो कोई ऐसा कोई मतलब ऐसी घटना अभी तक तो कोई मतलब कहीं उधम या फिर पेपर लीक की कोई ऐसी कोई सूचना अभी आप तक कोई मिली थी? ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं। बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रशासन इसमें लगा हुआ है, कल से ही लगातार वो लगे हुए हैं कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था बनानी है, ट्रैफिक को स्मूथ करना, और परीक्षार्थी जो बाहर जो 500-600 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उनको आगरा में कोई जो है अव्यवस्था ना दिखे, उनको पूरी व्यवस्था सब दिखे, पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है और उनको हर तरीके से इंतजाम देने का प्रयास किया जाता है कि ताकि सरकार जो चाहती है कि उनकी मंशा है कि हर परीक्षार्थी को जो है अच्छी व्यवस्था आगरा में मिल पाए। कैमरामैन रंजीत के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सीनियर सेंटर।